भैया नीचे चल गए, बहुत पवन के ऊपर व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के बन गया। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन के ऊपर निकल गई, ज्यादा मच गई, गाड़ी वाले भी आ गए, लोगों की मौत हो गई, बता रहे बहुत लोग भैया के तरह की बहुत रह गई है। ले जाऊँ उसका कुछ करना है, करना है कुछ फोटो वगैरह, कोई फोटो वगैरह जो बताओ मुझे। जितेंद्र केसर नगर पंचायत पलकना से हूँ, पलकना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कै बजे आए थे? नहीं मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है, घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे धक्का मारा है, चल हट। और डीएम साहब ने बोला कि गल ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, बाबा। मेरा ही परिवार था जी, ये मेरा ही परिवार था, और जहाँ हरिजी के पास जाते थे ये सब, हरिजो विश्वरी नारायण सागर हरिजी के पास, और वो खुले मंच से, खुले सिंहासन से कहते थे कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है ये? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था। अगर हमारे बच्चे की मौत होती है तो मैं जिम्मेदार होती हूँ, क्यों? मैंने बच्चा संभाल नहीं पाया, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली। लोगों की मौत हुई है? ये सारा मेरा ही परिवार था। कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ तो 28 बता रहे हैं, और इसके अलावा और 100 से ऊपर बता रहे हैं। 100 से ऊपर? हाँ, और हाथरस में। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार बोले बाबा, जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ। नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं, हम इसके, हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई, बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए,